क्या देखने में आ रहा है अभी तक 80 साल में? आज बाप के बच्चे बनते हैं, आज बाप को पहचानते हैं। यज्ञ के आदिकाल में खून से लिख कर देते थे, आज कोर्ट स्टाम्प पेपर लिख कर देते हैं, आज लिख कर देते हैं। निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनते हैं, जिंदा बनते हैं, कल मर जाते हैं। तो मृत्युलोकवासी हैं या अमरलोकवासी हैं? मृत्युलोकवासी। ये नियम है कि मृत्युलोक में जिसका जन्म होता है वो मृत्युलोक में मरता भी है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। क्या इस दुनिया में, इस मृत्युलोक में जिसका जन्म होता है उसका मरना भी होता है, तो क्या करें? ये तो है ही मृत्युलोक। कोई भी ब्राह्मण बताए, प्रैक्टिकल अनुभव बताए, जिन्होंने प्रैक्टिकल में बाप के घर में जाकर जन्म लिया हो, निश्चय बुद्धि बना हो, वो बताए कि जिन्होंने जन्म लिया मृत्युलोक में जन्म लिया या अमरलोक में जन्म लिया? अगर कोई कहे कि अमरलोक में जन्म लिया तो ये मरते क्यों हैं? अनिश्चय बुद्धि की मौत क्यों मर रहे हैं? अनिश्चय बुद्धि की मौत मरते हुए देखे जा रहे हैं, इससे साबित होता है कि ये ब्राह्मणों की दुनिया अभी भी मृत्युलोक है या अमरलोक है? है मृत्युलोक है। अभी अमरनाथ बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। जिस अमरनाथ की यादगार ऊंची स्टेज में ऊंचे पहाड़ पर देखी जाती है, जैसी यादगार, जैसा यादगार शिव का मंदिर दुनिया में एक भी नहीं है इतनी ऊंचाई पर है। किसी ने देखा हो तो बताओ, कब की यादगार है? है संगम युग की यादगार है। जब वो ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थिर हो जाता है, मनन चिंतन मंथन की ऐसी ऊंची स्टेज अमृत वेले की, जब ज्ञान सूर्य शिव उसमें सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है, उस समय की यादगार है बर्फ का लिंग। कैसा लिंग? बर्फ का लिंग। ठंडा या गरम? ठंडा। अरे लिंग भी कहीं ठंडा होता है? क्या मतलब है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बता दिया, योग बल से तुम बच्चों की इंद्रियां शीतल हो जावेंगी। कहां तक शीतल हो जावेंगी? कितनी शीतल हो जावेंगी? जैसे जैसे आइस, जैसे बर्फ शीतल हो जाती है, ऐसे शीतल हो जाएगी। ये कामेंद्रिय मार मारने वाली नहीं रहेगी। क्या? जिस मार मारने के कारण सब पुरुषों को टाइटल दे दिया, सब पुरुष इस दुनिया में क्या है? दुर्योधन दुशासन।
ऐसी अमरनाथ की स्टेज उस एक आत्मा की जब बनती है तब के लिए बताया कि बाप और बच्चा दोनों का जन्म इकट्ठा गाया हुआ है। जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म। कहां प्रत्यक्षता रूपी जन्म? इस संसार के अंदर अखबारों के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, रेडियो के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, टीवी के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, चैनल्स के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है, जो कानों से सुने पड़ोसी, पड़ोस से आवाज आए वाँ वाँ वाँ, तो जो कानों से सुने तो क्या कहेगा? बच्चा आ गया। ऐसे ही अव्यक्त वाणी में बोला, जो देखे जो सुने उसके दिल से आखिरी आवाज निकले कि मेरा बाप आ गया। जो आंखों से देखेगा बच्चे को, पेट से बाहर आया हुआ बच्चा, पेट में गुप्त रहने वाले बच्चे को नहीं, बाहर आए हुए बच्चे को, जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले बच्चे को देखेगा तो कहेगा बच्चा आ गया। ऐसे ही वो भगवान भी जब इस सृष्टि पर महाशिवरात्रि में प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया के मुख से निकलेगा, क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। नहीं तो आठ के सामने पहले प्रत्यक्षता होगी या सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी? तो आठ की भी यही हालत होगी। क्या है? मेरा बाप आ गया। भले सारा ब्राह्मण परिवार ब्राह्मणों की दुनिया कहती रहे, पता नहीं आया नहीं आया, कहां आया, क्या होगा, लेकिन वो आठ का संगठन ऐसा तैयार होगा जो सर के ऊपर विराजमान दिखाया जाता है। आठ मन के वो आठ आत्माएं जो बाप को पूरा और पक्का पहचान लेंगी, सदा काल के लिए संगम में पहचान लेंगी, अमरनाथ के अमर बच्चे, फिर एक के बाद एक नौवा दसवा ग्यारहवा बारहवा नंबरवार 10 साल तक आते रहेंगे माला में, और माला तैयार होगी और पूरी राजधानी राजाओं की स्थापन हो जाएगी। फिर सारी दुनिया में डंका बजेगा। कब? जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो दुनिया की कोई राजधानी, कोई सरकार, कोई देश की गवर्नमेंट, भले अमेरिका महाशक्ति की गवर्नमेंट क्यों न हो, वो भी उस संगठन से टक्कर नहीं ले पाएगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल संगठन बन जाएगा कि इस संगठन रूपी माला में कोई भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। जब कोई जासूसी ही नहीं कर पाएगा तो जीत पाएगा है?
नहीं जीत सकता।